क्या आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत ही क्यों उठाया? चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है त्रेता युग की, जब राम सेतु के निर्माण के समय वानर आपस में बोलते हैं कि छोटे छोटे पत्थरों से तो बहुत समय लग जाएगा। ये बात सुनकर हनुमान जी बड़े पर्वत की खोज में चले जाते हैं और उन्हें गोवर्धन पर्वत दिखा। वह उसको लेकर जाने लगे। जैसे ही हनुमान जी ने उन्हें छुआ, तब गोवर्धन पर्वत ने उन्हें रोका और बोला, आप मेरी इच्छा के बिना मुझे कैसे उठा सकते हैं? तब हनुमान जी उन्हें बताते हैं, दक्षिण दिशा में राम जी के सेतु का निर्माण हो रहा है, जहां पर हमें आपकी जरूरत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप राम जी के कार्य में शामिल हों। तब गोवर्धन पर्वत कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर चलूंगा, अगर राम जी मुझे स्पर्श कर ले। हनुमान जी ने वचन दे दिया और उठा के ले जा रहे थे, लेकिन पहुंचने से पहले ही सेतु का निर्माण पूरा हो चुका था। वो पहाड़ को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे गोवर्धन पर्वत बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तब हनुमान जी उनको वचन देते हैं कि प्रभु यहीं आके आपको दर्शन देंगे। फिर द्वापर युग में विष्णु जी ने कृष्ण अवतार में आकार गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और खुद गोवर्धन के नाम से जाने गए।